अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब हाईवे पेट्रोल में 1000 प्रमोशंस के नए मरहले का आगाज। 18 एएसआईज की सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 18 सब इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुई। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के सातवें बैच का आगाज, इफ्तिताही तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद। स्टूडेंट इंटर्नशिप के सातवें बैच में जामिया पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 81 तुलबा और तालिबात शामिल। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 95,806 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 7,430 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 55,502 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 11,548 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,194 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। रावलपिंडी पीर विधायी पुलिस की कार्रवाई, एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर बोगस कॉल करने वाले दो मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल की कि बंगश कॉलोनी में डकैती की वारदात हो रही है। पाक पतन पुलिस की जानिब से अपनों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना रंगशा पुलिस ने लापता होने वाला लड़का 24 घंटे में तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। कसूर थाना कंगनपुर पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन, नाजायज असलहा समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मियांवाली थाना मूसाखेल पुलिस की पतंग फरोशों और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 107 अदद पतंगें, 14 अदद डोर और गैर कानूनी असलहा बरामद। पंजाब हाईवे पेट्रोल में 1000 प्रमोशंस के नए मरहले का आगाज। 18 एएसआईज की सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 18 सब इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत सीनियर अफसरान ने अफसरान को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर्स में लाहौर के 5, गुजरांवाला फैसलाबाद मुल्तान के 3 एएसआईज शामिल। बहावलपुर के 2, डीजी खान और सरगोधा के 1 एएसआई को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिली। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पीएचपी में मुख्तलिफ मराहिल में 1000 एहलकारों को अगले ओहदों पर प्रमोट किया जा रहा है। 250 एएसआईज, 500 हेड कांस्टेबल्स को तरक्की दी जाएगी। 250 एहलकार पी कैडेट सिस्टम से प्रमोट होंगे। पीएचपी में नई भर्तियां, नई गाड़ियां, जदीद टेक्नोलॉजी और भरपूर वसाइल फ्राहम किए गए हैं। पीएचपी फोर्स को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, थर्मल इमेजिंग क्वाड कॉप्टर समेत दीगर आलात फ्राहम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के सातवें बैच का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुई। स्टूडेंट इंटर्नशिप के सातवें बैच में जामिया पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 81 तलबा और तालिबात शामिल थे। इंटर्नशिप बैच में बीएस क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस डिग्री प्रोग्राम्स के तुलबा और तालिबात शामिल हैं। डीआईजी ट्रेनिंग पंजाब राव मनीर जिया ने तुलबा और तालिबात को इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीचर्स बारे आगाह किया। इस मौके पर डीआईजी ट्रेनिंग का कहना था कि इंटर्नशिप में शामिल तुलबा को ग्रुप्स में 6 हफ्ते दुरानिए के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स फॉर्मेशन के साथ अटैच किया गया है। तुलबा और तालिबात को फील्ड पॉलिसिंग, इंसदादी जराइम और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के प्रोजेक्ट्स बारे आगाह किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच, सेफ सिटी अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर शोबों में पॉलिसिंग के मुख्तलिफ मराहिल बारे मुकम्मल आगाही दी जाएगी। तुलबा तालिबात इंटर्नशिप से हासिल होने वाले मुशाहदात बारे अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। महकमे मौसमियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 125, पंजाब यूनिवर्सिटी 90 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 115 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें महरीने सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। आपकी एक गलत कॉल किसी शहरी को बरवक्त एमरजेंसी सहूलियात हासिल करने से महरूम कर सकती है। रावलपिंडी पीर विधायी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर बोगस कॉल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल की कि बंगिश कॉलोनी में डकैती की वारदात हो रही है। पीर विधायी पुलिस फौरी मौका पर पहुंची। दरियाफ्त करने पर पता चला कि ऐसा कोई वाकया पेश ही आया ही नहीं था। पीर विधायी पुलिस ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर बोगस कॉल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेज़।